इसको हमने समझा हो गई नहीं है क्या, कर गया रे। राधा कृष्ण रक्षा कीजिए, बचाइए जानम से। अपने भाई को बुला रही है राधा श्री, यानी कृष्ण जी को। राधा कृष्ण अबे ना कर, तेरे लिए अर्जुन का है। जानम से अपनी बहन की रक्षा कीजिए, आकर अपनी मौत को आवाज ना। तुझे क्या लगता है कि तेरा भ्राता यहाँ आएगा और तेरे प्राणों की रक्षा करेगा? वासुदेव ना तेरे करवाए। पंचजन के शंखासुर को मारकर बहुत घमंड हो गया है तुझे, अपने आप को कालियावन और जरासंध से भी महान योद्धा समझता है। और आकर रक्षा कर अपनी बहन की। वो है ना पंगा ले। और अर्जुन भी काफी है भाई, रुक कर आ रहे हो ना। अबे 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 भाई, चलाम तो नहीं लगाएंगी? अबे चलाम नहीं लगाएंगी, नियत में आइए। जिसका डर था ये तो वही हुआ। अबे अर्जुन को तो बचाओ उसको। बचा लेगा समुद्र, लेकिन नीचे पत्थर ना हो, बस यही मैं बता रहा हूँ। कितना बड़ा तालाब था वे, अब पूरा झरना था इतना बड़ा। वो उधर से फेंका से यार अर्जुन ने और अब आई थी लाइक। प्रकट हो कायर, प्रकट हो, प्रकट हो कायर। अबे पीछे वो बज रहा ना, मधर्मस्य तदात्मानं रास्ता बन रहा है। अबे ये तो सिर्फ पानी है, वहां से पावर रखता है। ओहो की पानी तो ये भी देख रहा है, हो गया क्या? ये बंदा कौन है जैसे अंदर सब पावर रखा और सब कुछ है एक साइड में। Oh my-
रास्ता बना दिया यार। मैं भी बोलूं इतनी शक्ति किस में। Hi guys, welcome to the Pakistani Family Entertainment. तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो finally, लॉर्ड कृष्णा जी महाभारत की कथा के अंदर पधार चुके हैं और वो जिस तरह आए हैं, हमने नहीं सोचा था कि लॉर्ड कृष्णा जी इस तरह से आएंगे। और आप ही इसी तरह वो समंदर था या क्या था, पानी उसकी ले रहे हैं यूं बखेर, बिल्कुल वो बड़ा समुंदर था, उसको बखेर दिया, सिर्फ हल्का सा पांव रखा था, पांव रखा शक्तियां देख यार लॉर्ड कृष्ण जी कब आगे देखते हैं होता है क्या, तो कौन ऑन करते हैं। ऊपर से वो ललकार भी बहुत गंदा है। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हम सब के उन्होंने बता रहे थे जो दुश्मन प्यार करने वाला लग रहा है, बस आंखों का इशारा दिया इन्होंने, यूं किया तो सब हो गया। ये बड़ा एक बहुत कम वाला पॉइंट है। ये देखा मतलब इशारा, हां पर समंदर अपन सारा समंदर सुभद्रे भ्राताश्री आप स्वस्थ तो है ना भ्राताश्री? मैं क्यों स्वस्थ नहीं होऊंगा सुभद्रे, पानी में तो तुम डूब रही थी। कैसी आप ठीक है? कैसा भाई, अपने भाइयों को भूलकर इतना समय निकाल दिया हस्तिनापुर में। मुझे तो भय था कहीं तुमने हस्तिनापुर को अपना ससुराल तो नहीं बना दिया। कृष्णा जी भी समझ गए। अब इनको तो सब पता है। तुम मेरी योग माया हो सुभद्रे, तुम्हारे बिना मुझे भोजन में स्वाद नहीं आता। ओ भाई, कहो सुख में तो हो? सुख में कैसे हो सकती हूँ भ्राताश्री, कालेवन का भय जो सता रहा था। और भ्राताश्री आपकी बहुत चिंता हो रही थी। जब चिंता हो तब चिंतन किया करो सुभद्रे, उसी से लाभ होता है। और वैसे भी जिसका रक्षक स्वयं अर्जुन हो उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता। कृष्णा जी ने भी अर्जुन को बोल दिया। भाई कृष्णा जी को तो सब पता है। कृष्ण, हाँ मैं भी बोला कलेवान कहाँ गया। कोई तेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता इस कालिया वन से। कोई भी तेरे जान अच्छा लॉर्ड कृष्णा जी के मुंह पे स्माइल नहीं जा रही। इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। हाँ
कृष्णा जी गुस्सा हो ही नहीं रहा। वो देखिए कालेवन निकट आ रहा है, करीब आ रहा है। काल का तो अर्थ ही है मृत्यु अर्जुन, काल का एंड ही है। ऐसा कौन सा क्षण होता है जब मृत्यु नहीं आ रही होती? कौन सा? उसकी क्या चिंता अर्जुन, किंतु अपने प्रियजनों से वार्ता करने के लिए तो समय निकाल ही लेना पड़ता है। ये फिर भी अटैक कर रहा है। अबे उसको तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं तो कितना पावरफुल तीर है। बताओ सुभद्रे, बुआ कैसी है? स्वस्थ तो है ना? उनके चरण स्पर्श करने की बहुत इच्छा है हृदय में। यदि चरण स्पर्श करने के लिए जीवित रहना है तो अपने शस्त्र उठाइए वासुदेव। ना वो मेरे सुदर्शन से मरेगा और ना ही तुम्हारे बाणों से। क्या मतलब? क्या मतलब? उसका नाश तो केवल किसी तपस्वी की योगा अग्नि ही कर सकती है। यानी तपस्वी की योगा आदमी या कुछ इस तरह बोला इन्होंने। भाग जाएंगे। वो अर्जुन भी सोचने पे मजबूर हो गया, ये क्या बोल दिया इन्होंने। ठहरो कृष्ण, कायरों की भांति भाग क्यों रहे हो? अपनी मृत्यु का सामना कर। अच्छा, यानी कि वो भगवान जी को ऐसा बोल रहा है? वो रेन है, इसको नहीं पता के वो सीटी बराबर। रुक रुक और अपनी मृत्यु का सामना कर। अपने मृत्यु का मृत्यु के समय रण छोड़ कर भाग रहा है। आने वाला समय रण छोड़ कहकर तेरी हंसी उड़ाएगा। आने वाला समय जानता हूँ, आने वाला समय अवश्य मुझे रण छोड़ के नाम से भी स्मरण करेगा और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अभी बातें बंद करो और आक्रमण करो। ओह भाई, ये अपमान कर ही नहीं रहे और उनको कह रहे हैं। ये कुछ ना कुछ करेंगे, सही होगा। सही, तुमने तो कहा था तुम्हारे भ्राता कृष्ण बड़े शूर हैं, तो इस प्रकार भाग क्यों रहे? आप मेरे भ्राता कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे कुमार अर्जुन। अवश्य उनके पास कोई योजना होगी। शूर वीरों की तो योजना एक ही होती है, शत्रु को परास्त करना, और यहाँ मुझे काल्यवन परास्त होता नहीं दिखाई दे रहा। काल्यवन आवाज दी है लेकिन नजर नहीं आ रहे गाँव। ये तो है भाई, पंगा किससे ले रहे हैं? ओ, ये रहे। अरे तुम्हें लौट रहे हो? ये वो रे। ए चरवाहे रुक। ये बच गए हैं उधर, वो उसको भगा रहे हैं लॉर्ड कृष्णा जी। हाँ, कलेवान को